सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा 14वें दिन जींद से शुरू होकर नरवाना होते हुए टोहाना पहुंची। जींद से यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से 115 करोड़ 92 लाख रुपयों की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब अगले 5 साल के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा नरवाना होते हुए टोहाना पहुंचने पर लोगों ने सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 5 साल सूबे का विकास किया और आगे 5 साल और सरकार चलाने के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हम तो आपके पास आए हैं कि जैसे 5 साल हमने एक साफ सुथरी सरकार चलाई, बिना भ्रष्टाचार के चलाई, लोगों को सेवा करके चलाई, हम तो सेवक बन के आगे बढ़ रहे हैं, कोई राजनेता बन के नहीं, इस परिवार की हमने सेवा की है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए बीजेपी कमर कस चुकी है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल दोबारा सत्ता में वापसी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों से पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। R9 TV के लिए हरियाणा ब्यूरो रिपोर्ट।